नमस्कार, वीकेबी न्यूज के दोपहर की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। सांगली में बनपुरी के सभा में किरीट सोमैया थे उपस्थित। माफिया सेना ने मोदी के नाम ईमान बेचा, ऐसा किरीट सोमैया ने लगाया आरोप। दुनिया भर में बढ़ रहे हैं मंकी पॉक्स के मामले। राजेश टोपे ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि कस्तूरबा गांधी अस्पताल में बनाया गया है स्वतंत्र वार्ड। और दमकल विभाग को डीवाटरिंग यूनिट कराई गई उपलब्ध। महानगर पालिका द्वारा प्रत्येक जोन को डीवाटरिंग वाहन कराया गया उपलब्ध। और अब खबरें विस्तार से। मोदी के नाम पर वोट करने वाली माफिया सेना मुख्यमंत्री पद के लिए बिक चुकी है। राम के नाम पर वोट मांगे गए और चुनाव के बाद माफिया सेना ने अवज्ञा की। भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने रिकवरी के लिए ईंधन दरों में कमी नहीं करने के लिए ठाकरे और पवार सरकार की आलोचना की है। किरीट सोमैया सांगली जिले के बनपुरी में एक सभा में बोल रहे थे। इस वक्त उन्होंने कहा, हम महाराष्ट्र को माफिया सरकार से मुक्त कराएंगे। इस बीच इसी बैठक में पूर्व मंत्री सदाभाऊ खोत ने राज्य सरकार और सत्तारूढ़ दल के नेताओं की तीखी आलोचना की। पूर्व मंत्री सदाभाऊ खोत ने तीखे शब्दों में प्रतिक्रिया देते हुए अपना मत व्यक्त किया। एकंदर महाराष्ट्र सरकार तो 33 रुपए पेट्रोल टैक्स 31 रुपए डीजल टैक्स आता किती कमी गेला, फक्त 1.5 रुपये। केंद्र सरकार ने आता 16 रुपये डीजल वर टैक्स आणला आणि 19 रुपये पेट्रोल वर। माझा उद्धव ठाकरे ना सरळ प्रश्न आहे, महागाई वाढवण्याचा पाप हे ठाकरे पवार सरकार आहेत करत आहेत, त्यांना 15 रुपये पेट्रोलचा टैक्स कमी करावाच लागणार, डिझेलचा 15 रुपये टैक्स कमी करावाच लागणार। हा टॅक्स कशासाठी तुम्ही जास्त ठरवलाय? कारण की वसुली करायची आहे। एक एक योजना मागे कोणती योजना घ्या, कोणती? मी एक आपला ग्राम पंचायत, मला आज गोपीचंदी कुठे ग्राम सरपंच कुठे ग्राम सेवक ओळख करून दिले की आमचे ग्राम विकास मंत्री हसन मुफरीफ, त्यांनी ग्राम विकास मंत्रालयाचा प्रत्येक ग्राम पंचायतला सांगितलं की तुम्हाला केंद्र सरकारचा जो पैसा येतो त्याचा जीएसटी टॅक्स कन्सल्टंट म्हणून तुम्ही 50,000 रुपये प्रत्येक ग्राम पंचायत हसन मुश्रीफचा दावयाच्या कंपनीला द्यायचे। 15 कोटीचा कॉन्ट्रॅक्ट दिला, किरीट सोमैया गेला कोर्टात, म्हणून शेवटी ती योजना रद्द करावी। बंधू भगिनीनं मी आज जास्त भाषण करणार नाही आहे, अनेक नेते आपल्या मध्ये उपस्थित आहेत, पण एवढं नक्की कि ही जी माफिया सरकार आहे, लुटारू सरकार आहे, प्रत्येक गोष्टी त्यांना वसुली पाहिजे, त्या वसुली आणि माफिया सरकार पासून महाराष्ट्राला मुक्त करण्याचं काम विडा आम्ही उचललाय, आम्ही मुक्त करून दाखवणार। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माजी कृषी मंत्री अनिल बोंडे ने राष्ट्रवादी के आमदार अमोल मिटकरी पर निशाना साधा है। अनिल बोंडे ओबीसी और मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अमोल मिटकरी ने ओबीसी और मराठा समाज की जनता को फंसाया है। माजी कृषि मंत्री अनिल बोंडे ने कहा कि राष्ट्रवादी के आमदार अमोल मिटकरी ओबीसी और मराठा को फंसाने का काम कर रहे हैं और यह बात अब सभी को समझ में आ गई है। इस वजह से अमोल मिटकरी अब देवेंद्र फडणवीस की छवि को मैला करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अनिल बोंडे का कहना है कि अमोल मिटकरी जान ले कि केंद्र के आरक्षण कानून अलग है और राज्य के अलग, और देवेंद्र फडणवीस ने आरक्षण के लिए गहन अभ्यास करके गायकवाड़ समिति नियुक्त करके 32% मराठा समाज दिखाकर 16% आरक्षण दिया और यह आरक्षण ओबीसी समाज को नुकसान न पहुंचाते हुए दिया गया। लेकिन अमोल मिटकरी ने यह आरक्षण गंवा दिया और शरद पवार ने भी ओबीसी को दुर्लक्षित किया। अनिल बोंडे ने यह भी कहा कि समय आने पर विरोधी पक्ष नेता कड़ा संघर्ष करेंगे। अमोल मिटकरी बाजार बुंडे आणि या बाजार बुंड्याच्या सरदाराने आतापर्यंत मराठ्यांना आणि ओबीसींना फसवलं आणि आता सर्व मराठ्यांना ओबीसींना समजलं, त्याच्यामुळं अमोल मिटकरी
हा देवेंद्र फडणवीसावर चिखलफेक करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यांनी जाणून घ्यायला पाहिजे की केंद्राचे आरक्षणाचे कायदे अलग आणि राज्याचे कायदे अलग, याद्याही अलग. राज्याच्या सूचीमध्ये मराठ्यांना आरक्षण मिळावं म्हणून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अभ्यास करून आणि सर्वात महत्त्वाचं गायकवाड समिती नेमून 32% मराठा समाज आहे हे दाखवून 16% आरक्षण दिलं. त्यावेळेला सगळ्या राष्ट्रवादीवाल्यांनी, काँग्रेसवाल्यांनी, सगळ्या मराठा नेत्यांनी टाळ्या वाजवल्या आणि ते आरक्षण ओबीसीला धक्काने लावता दिलं. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हायकोर्टामध्ये टिकून दाखवलं. पण यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये कधी तयारी केली नाही. सुप्रीम कोर्टामध्ये अनेक वेळा चालढक्कल केली आणि मराठ्यांचं आरक्षण घालवलं. हे पाप याच्या मालकाचं आहे, शरद पवारांचं आहे. आणि ओबीसीसाठी तर अक्षम्य दुर्लक्ष. म्हणजे इम्पेरिकल डाटा करा हे देवेंद्र फडणवीस पहिल्या दिवसापासून सांगत होते. ट्रिपल टेस्ट पहिल्या दिवसापासून सांगत होते. मागासवर्गीय आयोग नेमा हे पहिल्या दिवसापासून सांगत होते. विधानसभेत सांगत होते, बाहेर सांगत होते, तर हे केंद्राकडे बोट दाखवत होते. आणि म्हणून आता शेवटी लाताबुक्क्या बसल्यानंतर आता बालटियाचा आयोग नेमला, त्यालाही पैसे दिले नाही आणि आता म्हणतात आम्ही ट्रिपल टेस्ट करू आणि आता डाटा सबमिट करू, जे मध्य प्रदेशानं करून दाखवलं. म्हणजे तुमचा नालायकपणा नाही तर जाणीवपूर्वकपणे शरद पवारांना, मराठ्यांना, ओबीसींना आरक्षण द्यायचं नाही आहे. आणि ते सगळं खापर फोडण्यासाठी विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, अरे तुमच्यात दम असेल तर करून दाखवा ना, आरक्षण देऊन दाखवा. शिवराजसिंग चव्हाणांनी ओबीसीचं वाचवलं, तुम्हाला का वाचवता येत नाही? आणि म्हणून अमोल मेटकरींनी पहिल्यांदा आपल्या त्या मालकाकडे जावं आणि शेपूट हलण्याच्या पूर्वी विचारावं की तुम्ही हे ओबीसीला आणि मराठ्यांना का छळतात. भारतीय जनता युवा मोर्चा पश्चिम नागपूर की ओर से झांसी रानी चौक में जोरदार एल्गार आंदोलन किया जा रहा है. पेट्रोल और डीजल पर राज्य कर में कटौती की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ यह आंदोलन किया गया. इस आंदोलन में शहर मंडल वार्ड युवा योद्धाओं के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति देखने को मिली. पेट्रोल दड़वाड़ के विरोध में हमारा आंदोलन है. आप जिस तरीके से देख रहे हो कि मोदी जी ने केंद्र के सरकार ने कम किया, पर महाराष्ट्र की सरकार कुछ कम करने की मानसिकता में नहीं है. जनता हलाकान है और कुछ तो कम करना चाहिए जिससे कारण सामान्य आदमी को उसका लाभ मिले, समाज के अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिले. एक तरफ 100 करोड़ का भ्रष्टाचार अनिल देशमुख जी ने किया है, वाइन खुलेआम दुकानों में बेचने की परवानगी सरकार दे रही है, इधर किसानों के बिल माफ नहीं हो रहे हैं, लोड शेडिंग खुलेआम चालू है, ये महाराष्ट्र में भूखंड हड़पना खुलेआम चालू है, शिक्षा का बाजारीकरण चालू है, यूनिवर्सिटी का बाजारीकरण चालू है. और ये महाराष्ट्र की सरकार को जनता से क्या है, गोर गरीब जनता का क्या, इसका ख्याल महाराष्ट्र की सरकार ने रखना चाहिए. ये दुर्भाग्य है, ये दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अहंकारी महाराष्ट्र की सरकार है. इस सरकार के खिलाफ में हमने आज आंदोलन किया है. ये आंदोलन की शुरुआत है. यदि पेट्रोल के रेट अगर ये कम नहीं करते हैं तो नागपुर शहर में जितने पेट्रोल पंप है सभी पेट्रोल पंप पे हम आंदोलन करेंगे. इसके बाद में भी नहीं हुआ तो उद्धव ठाकरे के घर के सामने करेंगे और वो भी हमें जेल में डालना चाहे तो डाल सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी हनुमान चालीसा पढ़ने वालों पर देशद्रोह का गुनाह दाखिल करते हैं. ये सोंगाड़े काम उद्धव ठाकरे जी करते हैं. हम भी डरने वाले कार्यकर्ता नहीं है. हजारों कार्यकर्ता ये आंदोलन को आगे जागरूक करके हमारे नेता प्रवीण जी दटके इनके नेतृत्व में नागपुर के हजारों कार्यकर्ता उद्धव जी ठाकरे के घर के सामने में आंदोलन करेंगे और अपनी मांग पूरी करके ही विश्राम से बैठेंगे. तब तक हम शांत रहने वाले हैं नहीं. बीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकरे के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट. दुनिया भर में फैल रहे मंकी पॉक्स के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मंकी पॉक्स साउथ अफ्रीका से आने वाली बीमारी है और इसके मरीजों की संख्या यूके और यूएस में दिख रही है, लेकिन भारत में अभी तक कोई भी मरीज नहीं पाया गया है. राजेश टोपे ने मंकी पॉक्स बीमारी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मंकी पॉक्स यह रोग हवा में नहीं बल्कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है या फिर जानवर और मनुष्य के संपर्क में आने से फैलता है. फुंसी आना और बुखार आना यह इस रोग के लक्षण है. साधारण 2 से 4 सप्ताहों तक यह रोग रह सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है. कोरोना और मंकी पॉक्स का कोई संबंध नहीं है. वहीं दूसरे देशों से भारत आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर जाँच की जा रही है. लक्षण दिखने पर तुरंत उपचार के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं.
मुंबई में कस्तूरबा गांधी अस्पताल में एक स्वतंत्र वार्ड और डॉक्टरों की टीम भी कार्यरत है। मंकी पॉक्स हा बेसिकली साउथ अफ्रिका मध्ये तिथून म्हणजे त्या भागातून येणारा हा आजार आहे। आज UK USA या काही देशांमध्ये सुद्धा आपल्याला मंकी पॉक्सचा काही प्रमाण आढळलं आहे असं सांगण्यात आम्हाला आलेलं आहे, पण आपल्या देशामध्ये एकही अशी मंकी पॉक्सची केस आढळलेली नाही। हा जो व्हायरस आहे हा व्हायरस हवेतून प्रसृत होत नाही, हा ह्युमन टू ह्युमन टच किंवा ॲनिमल टू ह्युमन टच अशा माध्यमातूनच तो प्रसृत होतो। हा साधारणपणे याचे जे सिम्पटम्स आहेत ते रॅश येणं म्हणजे पुरळ येणं, ताप येणं या संदर्भातले आपल्याला त्याचे लक्षणं आढळतात, आणि साधारणपणे 2 आठवडे ते 4 आठवड्यापर्यंत हा याचं एक इन्फेक्शनचं प्रमाण आणि आजाराचं प्रमाण राहू शकतं। याची फॅटल्टी रेट जी आहे म्हणजे मृत्यूचा जो दर असू शकतो तो 1%-10% आहे असं अभ्यास करणाऱ्या लोकांच्या माध्यमातून आलेल्या रिपोर्टच्या माध्यमातून सांगण्यात आलेलं आहे। साधारणपणे 1-2 दिवस जे पुरळ आणि ताप येण्याच्या दरम्यान हा आजार दुसऱ्यांना होण्याची शक्यता म्हणजे कॉन्टॅजियस किंवा इन्फेक्शन होण्याची तो कालावधी आहे। तर ही हिस्ट्री मी मुद्दाम या ठिकाणी सांगितलं की जनतेला कळावं, त्याचबरोबर माझं या निमित्ताने फार स्पष्ट सांगणं आहे की काळजी करण्याचा कुठलाच विषय नाही आहे, एकही केस आढळलेली नाही। आज आपण काय काय करतो आहोत तर या देशातून जिथे जिथे इन्फेक्शन आहे त्या देशातून येणाऱ्या लोकांना स्क्रीनिंग करण्याचं काम एअरपोर्ट्सवर सुरू झालेलं आहे, त्यामुळं एअरपोर्ट्सवर सुरू झालेल्या या स्क्रीनिंगच्या माध्यमातून आपण जर या पद्धतीचं काही सिम्पटम आढळलं तर आपण त्या ठिकाणी त्यांचे स्वॅब्स घेऊन आपण ते NIVला पाठवतो आहोत, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजीला पाठवतो आहोत, आणि त्यांच्या रिपोर्टच्या अंतीनंतर आपण ठरवतो आहोत। तर कस्तुरबा गांधी हॉस्पिटल मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आपण एक स्वतंत्र वॉर्ड याच्यासाठी ठेवलेला आहे, हॉस्पिटलचे डॉक्टर्स स्वतंत्र डेडिकेट केलेले आहेत, एक तयारी म्हणून निश्चित प्रकारे सगळ्या गोष्टींची केलेली आहे। जनतेला सुद्धा सगळ्या जिल्ह्यामधल्या लोकांनाही अवेअर केलेलं आहे की रॅश असतील, ताप येत असेल आणि अन्य काही गोष्टी असतील तर त्या संदर्भातले स्वॅब्स द्यावेत आणि तपासणी करून घ्यावी। तसं काळजीचा विषय नाही आहे कारण हा हवेतून प्रसृत होत नसल्यामुळे त्याची फार मोठ्या पद्धतीनं इन्फेक्टिव्हिटी रेट असू शकत नाही, परंतु एक सतर्कतेचा आणि काळजीचा विषय म्हणून या निमित्ताने मी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेला ही माहिती या ठिकाणी देऊ इच्छितो। बघतो चला एक ब्रेक का मिळते, एक छोटेसे ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अकोट तालुका के धामनापुर में बंदरों ने पिछले कुछ दिनों से हड़कंप मचा रखा है, जिससे ग्रामीण पीड़ित है। इन बंदरों की वजह से ग्रामीणों को काफी नुकसान भी पहुंच रहा है, इसलिए ग्रामीण लोगों की तरफ से बंदरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। गर्मी के दिनों में खेत, नदियां, नाले और जल स्रोत पूरी तरह से सूख जाते हैं, इसलिए बंदरों, जानवरों और पक्षियों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है। इसी वजह से इस साल बंदरों का एक बड़ा झुंड धामनापुर गांव में घुस आया है, जिससे छत के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। गांव के ज्यादातर घरों में कवेलू और तीन पत्रा है, जिन पर बंदर कूद कर उन्हें पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं। गर्मी के इन दिनों में महिलाएं धूप में कुरड़ी, पापड़, साथ ही दाल, गेहूं, ज्वार और बाजरा सूखने डालती है, तो इसी का फायदा उठाकर बंदर घर की छत पर सीढ़ियों से घुसकर घर में रखे सामान को नष्ट कर रहे हैं। धामनापुर के ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग बंदरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। बीड़ जिले में अधिशेष गन्ने का मुद्दा अभी भी जैसा का वैसा है। इस मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शेतकरी संघर्ष समिति की ओर से चीनी आयुक्त का सांकेतिक अंतिम संस्कार मंजिलगांव में आयोजित किया गया। इसमें कई किसानों ने सहभाग दर्शाया। बीड़ जिले में अधिशेष गन्ने की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए शेतकरी संघर्ष समिति की ओर से चीनी आयुक्त का सांकेतिक अंतिम संस्कार आयोजित किया गया। अंतिम संस्कार में क्षेत्र के किसानों ने भाग लिया। मजलगांव तालुका में 3 चीनी मिले होने के बावजूद इस जगह पर अतिरिक्त गन्ने की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। गन्ने की कटाई से कटाई का अतिरिक्त शुल्क लगता है, हालांकि चीनी आयुक्त निर्माताओं के पक्ष में है। इस नीति के कारण गन्ना किसानों ने आत्महत्या कर ली, इसलिए चीनी आयुक्त के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। बीड जिल्ह्यात आणि माजलगाव विधानसभा मतदारसंघामध्ये 3 कारखाने असताना सुद्धा शेतकऱ्याचा ऊस भयानक अशा परिस्थिती आहे, आणि आज हार्वेस्टर 20,000 रुपये आणि बाकीच्या ह्याला सुद्धा 15,000-16,000 रुपये शेतकऱ्याला द्यावं लागत आहेत। अशा भीषण परिस्थितीत शेतकऱ्याने एका गेवराईला फाशी घेतली आणि फड फुकून दिला। त्याच परिस्थितीमध्ये त्याच्या मनुष्यवादाचा गुन्हा हा साखर आयुक्त कार्यालय आणि साखर आयुक्त आणि साखर प्रादेशिक सहसंचालकावर करावा। त्याचं कारण आहे, कारण नोंदीची पावती जर शेतकऱ्याला दिली असा हायकोर्टाचा निर्णय आणि त्याचं सर्क्युलरसुद्धा काढलेलं मी त्या निवेदनाला जोडलेलं आहे, आणि 265 जातीचा ऊस घेऊन जाण्यास योग्य असं वसंतदादा इन्स्टिट्यूटनं सांगितलं असताना सुद्धा याची अंमलबजावणी ह्यांनी केलेली नसल्यामुळे ही सगळी घटना घडली आणि त्यामुळे त्यांच्यावर नोंदीचं हे आपलं खुनाचा गुन्हा नोंद करण्यात यावा। दुसरी आत्ता जी परिस्थिती चालली ते आमचे 19, 16, 17 महिने झाले ऊस शेतकऱ्याचा राहिला, त्याची राहिलेली फरकाची रक्कम शेतकऱ्याला देण्यात यावी, आणि आता जे 200 रुपये शेतकऱ्याला कारखानदाराला सरकार द्यायले ते टनागणीस 1 मेच्या नंतर ज्याचा ऊस गेला त्याला टनागणी 200 रुपये देण्यात यावे, या मागणीसाठी आम्ही हे असं आंदोलन केलंय आणि अनोखं आंदोलन मुद्दाम जाणीवपूर्वक केलंय, किंवा सरकारला कळावं की शेतकऱ्याची मड्याच्याही पूर्व परिस्थिती झाली म्हणून या फडामध्ये आम्ही शेतकऱ्याच्या प्रेतयात्रा काढली, प्रतिकात्मक प्रेतयात्रा काढली। ऊस उभे येत, पैसे लागायला लागले, तर भयान परिस्थिती आहे, आणि साखर आयुक्त कार्यालय ह्याच्यात कुठलीच भूमिका घेत नाही, हे जसे कारखानदार सांगते तशी भूमिका घेतात, त्याचं कारण काय आम्हाला कळालं नाही। हे साखर कारखानदाराचीच बाजू घेतात, शेतकऱ्याच्या जीवावर हे सगळं चाललंय। साखर आयुक्त कार्यालय हे पैसे 10,000 रुपये गोळा करून शेतकऱ्याच्या बांधलेलं आहे, तिथं बसून हे शेतकऱ्याच्या विरोधात निर्णय देतात। पुढच्या वर्षी तरी नोंदीची पावती मिळावी आणि 265 ऊस जावा ही आमची मागणी। नागपूर महानगरपालिका मान्सून की तयारी में जुट चुकी है और इसके चलते फायर ब्रिगेड के प्रत्येक जोन को डीवॉटरिंग यूनिट वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। महानगरपालिका और दमकल विभाग ने नागरिकों की लगातार बढ़ रही शिकायतों को देखते हुए ये कदम उठाया है। नागपुर शहर में दूषित कुओं ने नागरिकों की परेशानी बढ़ा दी है। फायर ब्रिगेड को हर साल लगभग 3,300 शिकायतें मिलती है और अब शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फायर ब्रिगेड सिविल लाइन्स के साथ साथ लकड़गंज के जरिए शिकायतों का समाधान कर रही थी, लेकिन समस्या को ठीक करने में उन्हें 7 से 8 दिन लग जाते थे। हालांकि अब महानगर पालिका ने दमकल विभाग को डीवॉटरिंग यूनिट उपलब्ध कराया है, जिससे इन शिकायतों का तत्काल समाधान किया जाएगा। पहले 4 से 5 पंप लगाकर कुओं की सफाई की जाती थी, लेकिन अब इस डीवॉटरिंग यूनिट ने इसे आसान बना दिया है, जबकि महानगर पालिका और दमकल की इस पहल से नागरिकों की परेशानी कम होगी। महापालिका से वतीने मानसून तैयारी के अनुषंगाने एक भाग म्हणून आपण आज या ठिकाणी प्रत्येक झोन मध्ये एक गाडीचं व्यवस्थापन केलेलं आहे। याचं गाडीचं विशेष असं आहे, या प्रत्येक झोनचं या गाडीमध्ये कम्प्लिटली डीवॉटरिंगचा फॅसिलिटी राहणार आहे, 5 HP पंप राहणार आहे, सबमर्सिबल पंप राहणार आहे। याच्या व्यतिरिक्त डिपार्टमेंटचं ते झोनचा पंपसुद्धा त्याच्यामध्ये राहतील। या व्यतिरिक्त तिथे जे पावसाळ्यामध्ये खास करून जे अंधारामध्ये जे जेव्हा शोध मोहीम वगैरे करण्यासाठी जे इलेक्ट्रिक लाईटचं सुविधासुद्धा त्यामध्ये आहे। अशा प्रकारचं एक डिझास्टर मॅनेजमेंटचा अँगलमध्ये प्रत्येक झोनला काम करण्यासाठी एक चांगला एक उपक्रम व्यवस्था आपण तयार करून दिलेला। म्हणजे नागपूर महानगरपालिका म्हणजे अपग्रेड होत आहे असं
सांगायला हरकत नाही आहे, कारण शेवटी आपल्याला जे शहरामध्ये आपण वेगळेवेगळे ठिकाणी आहे त्याच्या भूगोल परिस्थितीमुळे आणि वेगळेवेगळ्या कारणामुळे तिथे पाण्याचा फ्लडिंग होतं दरवर्ष आपण पाहतो, आणि आताचं जे ग्लोबल क्लायमेट चेंज जो रियालिटी आहे आणि आपण पाहतो आपण जे पाऊस आहे पूर्वी जे महिनाभर होणारे पाऊस आजकाल 3-4 दिवसामध्ये होतं, त्यामुळे नॅचरली फ्लडिंगचं प्रमाण जास्त राहणारच. त्याच्या हँडल करण्यासाठी महापालिका सक्षम होण्याचे गरजेचं आहे. त्या दृष्टिकोनातून एक पाऊल आज आपण उचललेलं आहे. दरवर्षी जे कार्यक्रम राबवले जातात ते सुरू राहणार का? दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आपण कंट्रोल रूम आपण कायमस्वरूपी तयार करणार होतो, 1 तारीखपासून चालू करणार. त्याला आता कालचा परिस्थिती लक्षात ठेवून लवकर करायला सूचना दिलेली आहे. या व्यतिरिक्त आपण प्रत्येक टीम प्रत्येक वार्ड वाईज प्रत्येक झोन वाईज आपण बळकटीकरण करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम हाती घेतलेले, त्यामुळे यावर्षी जे नेहमीपेक्षा बेटर परिस्थितीमध्ये हे हाताळण्यासाठी प्रत्येकाने सक्षम आहोत. नागपूर शहरामध्ये दूषित विहिरींची जी समस्या आहे त्याच्यामुळे अग्निशमन विभागाला दरवर्षी 3300 आसपासच्या तक्रारी प्राप्त होतात आणि या तक्रारी सिव्हिल लाईन्स आणि लकडगंज या स्टेशनच्या मार्फत आपण त्याचं निराकरण करत होतो. परंतु जशा जशा आता या तक्रारी वाढत आहेत आणि त्याचा जो रिस्पॉन्स रेट आहे, पहिले आपल्याला 7 ते 8 दिवस एका तक्रारीला निराकरण करण्यासाठी लागत होतं, पण आता आपण हे जे डिवॉटरिंग युनिट घेतलेलं आहे तर आपत्ती व्यतिरिक्त जे दैनंदिन ज्या या तक्रारी या विहिरचं दूषित पाणी उपसण्याचा त्या आपण तात्काळ अटेंड करू शकू. तर प्रत्येक झोनला एक युनिट असल्यामुळे झोन लेवलवरच या तक्रारीचं निराकरण होणार आहे आणि ज्या मोठ्या विहिरी आहे त्यांना जे डिस्चार्ज कॅपॅसिटीची जास्त रिक्वायरमेंट असते आपल्याकडे नेहमी आपण होंडा पंपनी ते करत असतो, तर 4-4, 5-5 होंडा पंप एका विहिरीवर लावावं लागतात. पण हे युनिट असल्यामुळे हा सबमर्सिबल पंप आहे, 5 HP आहे आणि 618 लिटर पर मिनिटचा याचा डिस्चार्ज आहे, तर यांनी तात्काळ मोठ्या विहिरीसुद्धा आपल्याला डिवॉटरिंग करता येईल. यासोबतच हा जो जनरेटर आहे या जनरेटरचा आपत्तीमध्ये किंवा इतर कामाच्या वेळेस आपण लाइटिंग सिस्टम लावण्यासाठी फ्लडलाईटसाठी पण आपण याचा वापर करणार आहोत. म्हणजे पावसाच्या नाल्यांवर पण हे कामाचं आहे का? हा जो जो पंप आहे नाल्यातलं पाणी सहसा आपण उपसत नाही, कारण नाल्याचा तो स्वतःचा एक फ्लो असतो, त्याला आपण जिथे काही चोकेज आणि अटकाव असतो तो क्लिअर करत असतो. पण विहिरी लोकांच्या घरात गेलेलं पाणी किंवा असं इमर्जन्सीचं एखादं पॉन्ड असेल की ज्याला आपल्याला डिवॉटर करणं जरुरी आहे अशा ठिकाणी या वाहनाचा वापर होणार. VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट. नागपुर के मानेवाड़ा चौक में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांगों को लेकर बीजेपी के भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा दक्षिण नागपुर की ओर से राज्य सरकार के विरोध में एल्गार आंदोलन किया गया. नागपुर शहर में कई जगहों पर आंदोलन हो रहे हैं. आज मानेवाड़ा चौक में भारतीय जनता युवा मोर्चा दक्षिण नागपुर की ओर से एल्गार आंदोलन किया गया. यह आंदोलन राज्य सरकार के विरोध में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की मांगों के चलते किया गया. केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम 11 रुपये कम कर दी है और राज्य सरकार ने वह 2 रुपये से कम करने की बात कही थी, लेकिन कल देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का खुलासा किया कि अभी तक राज्य में दाम कम नहीं हुए. भारतीय जनता युवा मोर्चा दक्षिण नागपुर के कार्यकर्ताओं का कहना है, महाविकास आघाड़ी ने सिद्ध कर दिया है कि वह जनता के खिलाफ है और जनता के पक्ष में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती. पिछले महीने युवा मोर्चा की ओर से दाम कम करने के लिए आंदोलन किया गया था. अब केंद्र सरकार ने दाम कम किए तो राज्य सरकार इस बात को गंभीरता से नहीं ले रही है. कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि अगर महाराष्ट्र सरकार दाम कम नहीं करती है तो वह फिर से तीव्र आंदोलन करेंगे. पेट्रोल डीजल केंद्र सरकार ने पैसे कमी केले 11 रुपये, तरीही राज्यातली या नाकारत्या सरकारनी 2 रुपये कमी केले म्हणून सांगितले, पण काल देवेंद्रजींनी त्याच्यावर स्पष्टीकरण दिलं की ते 2 रुपयेसुद्धा कमी झालेले नाही आहे. आणि या महाविकास आघाडीनी आज पुन्हा सिद्ध केलं की ते जनतेच्या विरोधात आहे आणि जनतेच्या फायद्याचे निर्णय ते घ्यायला तयार नाही आहे, कारण की त्यांनी 1 महिन्याआधी युवा सेनेने आंदोलन केलं की केंद्र सरकार भाव कमी नाही करत आहे, पण जेव्हा केंद्र सरकारने भाव कमी केल्यानंतर आज राज्यात ही तिघाडी सरकार असतानाही आज 2 रुपयेसुद्धा कमी करायला तयार नाही आहे, हे या महाविकास आघाडीचं फेलियर आहे. त्याच्या विरोधात आज नागपूर शहर जनता युवा मोर्चा आणि दक्षिण नागपूर भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या माध्यमातून मानेवाडा चौकात आंदोलन करण्यात येत आहे. तरी या आंदोलनात हा एक पहिला टप्पा आहे. जर महाराष्ट्र सरकारने
निरंतर आंदोलन म्हणजे भाव कमी नाही केले तर आम्ही अजून तीव्र आंदोलन करू। कन्हान पुलिस स्टेशन के 2 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में गहुहिवरा पुलिया के पास एक कंटेनर ट्रक ने एक दुपहिया मोपेड वाहन को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दुपहिया वाहन चालक की मौत हो गई है। कन्हान पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया और आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लिया है और आगे की जाँच चल रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक मोपेड चालक 45 वर्षीय सतीश धनराज मंगलवार 24 मई की शाम 7 बजे सर्विस रोड के रास्ते कन्हान की ओर से आ रहे थे, तभी कंटेनर ट्रक नंबर NL01AB6261 के चालक राधेश्याम नंदकिशोर खटिक ने उनको टक्कर मार दी। कंटेनर के चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाही से दोपहिया के चालक को टक्कर मार दी, जिससे कुछ देर के लिए नागरिकों में तनाव का माहौल बना रहा। कन्हान पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मोहन शलके और मंगेश सोनटक के मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। इस घटना की आगे जांच कन्हान थाना निरीक्षक विलास काले के मार्गदर्शन में कन्हान थाना के हेड कांस्टेबल मोहन शेलके और मंगेश सोनटक के द्वारा की जा रही है। तो वीकेबी न्यूज के दोपहर के खबरों में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।